नमस्कार साथियों, मैं भारत आप सभी का स्वागत करता हूं यार स्टडी मोड ऑन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका रिजल्ट के बारे में, और रिजल्ट के बाद में क्या प्रोसीजर रहेगा इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यार आपको मैं बता दूं कि जो आपका लेवल वन का रिजल्ट होता है और लेवल टू तक जो बच्चे जाएंगे उनके लिए यार एक बहुत बड़ा एक माइनस स्टेप होता है जो कई बच्चे उसको नहीं ध्यान देते और वो वहां पे मार खा जाते हैं। यही वो मेन कारण है जिस कारण बच्चे रह जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा यही डिस्कस करने वाले हैं कि यार जिस माइनस स्टेप में मेरे क्लासमेट ने मार खाई थी उस स्टेप पे आप मार मत खाओ। आपको यार पहले पता होना चाहिए, हमारे वाले टाइम में जब मैं 2018 में इस बैच का पार्टिसिपेंट था या इसका एस्पिरेंट था, तो यार हमारे तो ऐसा था भी कोई बताने वाला नहीं था, कोई भी एक भी श्रद्धी यूट्यूबर नहीं था जो हमें बताए कि सुपर हंड्रेड आखिर है क्या, इसका सिलेबस क्या है। यार आपको आपका भाई आपका भारत भैया आपको बता रहे तो आप सीखिए यार, समझिए, ध्यान दीजिए। और आप जहां तक आप मेरे से पूछोगे आईक्यू का सोल्यूशन, तो मेरा एक ही जवाब मिलेगा, आईक्यू सोल्यूशन में भी टाइम लगेगा। क्योंकि यार मेरे खुद के भी एग्जाम चल रहे हैं, जब मैं पेपर को सोल्व करने बैठता हूँ तो उसमें एक एक क्वेश्चन में कम से कम 20-20 मिनट, क्योंकि श्योरिटी के साथ आपको उसका सोल्यूशन देना होता है, तो 20-20 मिनट एक क्वेश्चन में लग रही है, तो इसके लिए यार थोड़ा सा टाइम बहुत कम है, जिसके कारण मैं आपके लिए कोशिश करूँ कि जल्द से जल्द आईक्यू की वीडियो बनाऊँ। बट यार थोड़ा टाइम मुझे भी चाहिए अपनी क्लासेस की स्टडी के लिए। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। यार मुद्दा आज का ये रहने वाला है कि आखिर जो बच्चा टॉपर होता है वो ऐसा क्या करता है कि जो हम नहीं कर पाते। तो इसका यार मेन रीजन ये होता है कि हम निश्चित होंगे हम उस पहले वाले पेपर के आंसर के मिला रहे होंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए यार, आपको पता होना चाहिए, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैंने ये किया है तो ये सही होना चाहिए, बस दैट्स फाइन। अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं ये पेपर क्लियर कर लूंगा और ये मेरा हो गया। अब मैंने कई बच्चों से गूगल फॉर्म का फॉर्म भरवाया था तो उसमें अप्रोक्सीमेटली सभी के 80+ है, तो यार आप सभी के सभी बच्चे पास हो, मेरे से याद लिखवा लो, जिनके 80+ है वो सारे पास होंगे। तो अगर आपके 80+ आ रहे हैं तो आप पास हो, तो अब आप आंसर क्यू का वेट क्यों कर रहे हो, आंसर क्यू का वेट मत कीजिए, आप अब स्टार्ट कर दीजिए लेवल टू की प्रिपरेशन। हाँ जी, लेवल टू का क्या सिलेबस रहेगा, क्या शेड्यूल रहेगा, वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो काफी लेंथी हो सकती है तो आप वीडियो को मैनेज कर लीजिएगा, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप कर रहे हो तो आप ऐसे समझ लीजिएगा आपको वीडियो का कहीं पे भी कोई भी आप वीडियो को नहीं देखना चाहते, आप वीडियो को मिस आउट करें और अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करें। तो आप यार अभी अगर वीडियो को स्किप भी करना चाहते हैं तो वीडियो को क्विट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बट यार वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो यार मैं बात कर रहे थे हम लेवल टू के बारे में। तो जैसे जो बच्चा लेवल वन क्लियर कर चुका है, अभी माफ कीजिएगा लेवल का वन का रिजल्ट नहीं है, बट जो अपने मायदे में अपने कायदे कानून के अनुसार वो क्लियर कर चुका है, तो यार अब आप वेट किसका करें, लेवल टू की प्रिपरेशन में लग जाइए। हाँ जी, लेवल टू की प्रिपरेशन किस बेस पे करें, क्या करें, वो सारा आपको मैं क्लियर कर दूंगा, बट आप प्रिपरेशन जरूर कीजिए। हमारे वाले टाइम में ऐसा कुछ कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई कुछ और नहीं थी, बट मैं आपको बता रहा हूं तो आप अभी से गाइडेंस के अनुसार आप लग जाइए अपने प्रिपरेशन के अनुसार। और यार जो गूगल फॉर्म है उसी के बेसिस पे आपका मैंने एक रिजल्ट भी अनाउंस करना है, उस रिजल्ट के बेसिस पे हम 3 लड़कियां और 3 लड़कों को, यानी कि 6 बच्चों को हम लेवल टू की प्रिपरेशन के लिए बुक्स बिल्कुल फ्री में देने वाले हैं। जो जिस तरह से आपको जो 10th की बुक दी गई थी लेवल वन के लिए, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, सेम एज इट इज हम लेवल टू के लिए भी हम बुक देने वाले हैं 3 लड़कों और 3 लड़कियों को। तो आपने अभी तक गूगल फॉर्म नहीं फिल किया तो आज तक का टाइम है, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहां से आप वो गूगल फॉर्म फिल कर दीजिएगा। कल मैं इसका रिजल्ट अनाउंस करूंगा, रिजल्ट अनाउंस करने के बाद उन बच्चों को हमारी टीम कॉन्टेक्ट करेगी और उनको बुक प्रोवाइड कराएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकता है मैथमेटिक्स की भी, बट अभी फिजिक्स केमिस्ट्री की तो उन्हें जरूर प्रोवाइड करवाएगी। हाँ जी, तो यार लेवल टू का क्या सिलेबस रहता है, लेवल टू है क्या, लेवल टू में क्या कुछ होता है, सारी बात हम डिस्कस करेंगे। तो यार जिस बच्चे ने लेवल वन मान लीजिए आपका रिजल्ट आ गया, आपने क्लियर कर दिया, आप लेवल टू में होगा क्या। हमारे वाले टाइम तो वहां पे हमें ऑफलाइन कोचिंग दी जाती थी 3 दिन, फिर उसके बेस पे रिजल्ट आता था, उसके बेस पे पेपर, फिर रिजल्ट आता था। बट आपके बार की बार आपको बहुत टाइम लिमिट दी जा रही है, टाइम लिमिट आपके लिए इनफ है यार। इतने टाइम लिमिट में तो आप अपना पेपर क्लियर नहीं, आप पेपर को पार सकते हो, पेपर को एकदम धज्जिया उड़ा सकते हो, पेपर इतना आसान पेपर होगा आपके लिए अगर आप इस कायदे कानून के अनुसार जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप उस तरीके से स्टडी करते हो, तो इतना जरूर मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आपको कहीं पे भी मार नहीं खानी पड़ेगी। मे बी आपको कौन कौन सा पोर्शन पहले कवर करना है, कौन सा बाद में करना है, सबकी प्रायोरिटी हम आने वाले फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बट यार लेवल टू में जो जाने वाला है या जो लेवल टू की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए तो यार ऑल द बेस्ट। एंड अब मैं आपको बता देता हूँ लेवल टू आखिर है क्या चीज।
यार लेवल टू जैसे जो बच्चा लेवल वन क्लियर कर देता है उसके लिए एक लेवल टू एक इंटरेस्ट बेस्ड सब्जेक्टिव टेस्ट होता है जो रिटर्न टेस्ट होगा। उस रिटर्न टेस्ट के बेस पे आपका निर्धारित होगा कि आप किस इंस्टीट्यूट में जाएंगे और कौन कौन बच्चा सिलेक्ट होगा। उसमें यार पास होना एक बड़ी बात है, सच बोल रहा हूं। उसमें जो बच्चा पास हो जाता है भले 5 नंबर के साथ पास हो तो उसको एडमिशन मिल जाएगा, बट पास होना ही उसकी प्रायोरिटी है कि आपको पास होना ही है उस एग्जाम में। तो जो बच्चा पास होगा दैट विल बी एब्सोल्युटली पार्टिसिपेट इन द कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो उसे कोचिंग भी मिलेगी। तो यार मैं आपको बताना चाहता हूँ जो लेवल टू है की बार ऐसा शेड्यूल है, आपको 1 महीने की कोचिंग दी जाएगी और वो कोचिंग किसके बेस पे होगी, कोचिंग आपकी बेस पे होने वाली है 11th क्लास का जो बेसिक है। अब आपको भैया कौन सा बेसिक, कैसा बेसिक करें हम, तो यार इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो मिल जाएगी, बट आपको मैं अभी के लिए बता देता हूँ, आप अपने एनसीईआरटी की स्टार्टिंग के 4 या 5 लेसन अच्छी तरह से कवर कर लीजिए, चाहे आप किसी भी स्कूल से बिलोंग कर रहे हो। ओके दैट्स फाइन। हाँ जी, तो अगर आप यार एनसीईआरटी भी कर लेते हो वो भी इनफ है, एनसीईआरटी के वो टॉपिक्स नहीं, वो स्टार्टिंग के 4 या 5 लेसन्स बस, वो बहुत होंगे आपके लिए। बट उनमें भी कई ऐसे टॉपिक है जो आपको बिना टीचर के बिना कंसल्टेशन के आपको समझ में नहीं आने वाले, तो क्या करें। तो यार आपको एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूं मैं, उसको फॉलो कीजिएगा। जो टॉपिक्स आपको मैं बताऊं आने वाली फर्दर वीडियोज में, ऑफकोर्स मैं आपको बताने वाला हूं, वो टॉपिक्स अगर आप कवर कर लेते हो तो यार आपका लेवल 2 आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यार मैं, आप ऐसे मत कहिए भैया ऐसे फेंक रहे हैं ऐसे करें, यार मैं लास्ट 3 ईयर से सुपर 100 एग्जाम से रिलेटेड बच्चों को मेंटरशिप, सिलेबस के रिगार्डिंग एंड आपको यूट्यूब के थ्रू बच्चों को मैं इसी टाइप की वीडियोस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं यार 3 साल में जो आया है मैं उसका निचोड़ आपके साथ पेश करूंगा, और इसका आप यार कोई भी मेरे से पीडीएफ मत मांगना पेपर का, क्योंकि इस पेपर का पीडीएफ नहीं अवेलेबल है।